हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल श्री टेलीकॉम। दोस्तों, मेरे पास रेडमी का S2 मॉडल है जिसमें FRP लगा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में इसका FRP हटाएंगे बिना PC और बिना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लगा हुआ कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये पिन मांग रहा है। तो हम जैसे इसे पिन हटाते हैं तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे गूगल अकाउंट मांग रहा है। अगर आपका कोई गूगल अकाउंट जो इसमें आपने पहले लगाया हुआ था वही आपको इसमें डालना पड़ेगा। अगर आप इसका पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो ईमेल इसमें काम नहीं करेगा। ये देख सकते हैं आप, हम नेक्स्ट का ऑप्शन दबाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर वो मेल मांग रहा है। तो आप इसे बाईपास कर सकते हैं बिना कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए और बिना PC के। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आपने सबसे पहले इसे बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद उसके बाद आपको सिम निकाल देना है। सिम निकालने के बाद अगर आपने इसे वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ तो आप इसको वाईफाई से भी डिसकनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, मैं वाईफाई से डिसकनेक्ट कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, फ़ोन जो हमारा है वाईफाई से डिसकनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको नेक्स्ट करना है। आपके फ़ोन में कोई भी इंटरनेट ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। ये देखिए, हमने इस फ़ोन में इंटरनेट जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर दिया, उसके कारण हमें ये ऑप्शन मिला है। अगर आप इसमें वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या इसमें आपका सिम लगी होगी तो ये आपको ऑप्शन शो नहीं करेगा। सिर्फ आपको सिंपल तरीका है, आपने इसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। आपको सबसे ऊपर वाला सेट करना है। ऊपर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप पिन लगाते हैं तब भी इसमें ये बाईपास नहीं होगा, आपको पैटर्न ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुइट करते हैं, तो यहाँ पे आप पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, जो हमारा यहाँ पे जो पैटर्न है ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे अभी गूगल अकाउंट लगा हुआ है इसमें। तो हम इसे सेटअप अप में क्लिक करेंगे तो ये उसी स्टार्टिंग में पहुँच जाएगा। तो आपको इसे फिर सेटअप करना है। आपको इस बार वाईफाई से कनेक्ट करना है। अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो तभी इसका जो FRP है वो हटेगा। तो आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जो हमारा फ़ोन है ये वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए, जो हमने इसमें पैटर्न सेट किया था वही आपको पैटर्न लगाना है। मैंने इसमें L सेट किया था, देख सकते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है। तो इसका मतलब जो इसका FRP है वो हट चुका है। तो आप इस तरह, आपके पास कोई भी अगर Xiaomi का फ़ोन है, Redmi का फ़ोन है, तो आप उससे आसानी से इसका FRP बाईपास कर सकते हैं बिना कोई एप्लीकेशन किए और बिना PC के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।